आज के इस वीडियो में बताएंगे कि नीति आयोग की द्वारा डीजी बॉक्स नामक एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, तो वो डीजी बॉक्स क्या है, कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग जो है वो इस वेबसाइट को लॉन्च किए हैं, तो इस वेबसाइट पे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है आज के इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ विस्तार से बताने की जा रहे हैं। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और सबसे पहले वो वीडियो आप देख पाए। तो चलिए जानते हैं कि डीजी बॉक्स क्या है और ये कैसे काम करता है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीजी बॉक्स का लिंक दे दिया हूँ। digibox.com पे आएंगे आप, डीजी बॉक्स की इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे डीजी बॉक्स जो है इस पे आप अपनी डॉक्यूमेंट को सेफ रख सकते हैं, जो भी आपके फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, उसको आप डीजी बॉक्स पे अपलोड कर सकते हैं और कहीं से भी कभी भी इसको एक्सेस करके आप कहीं भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं और आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर आप डीजी बॉक्स पे अपनी डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर रखे हैं तो आप डीजी बॉक्स लॉगिन करके वहाँ से डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग के द्वारा बनाया गया वेबसाइट है जो कि 100% सेफरेट है और सेफ है, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, वीडियोज़ आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और कहीं से भी इसको एक्सेस करके आप उसे डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। साथ साथ अगर किसी डॉक्यूमेंट का आपको किसी को लिंक भेजना होगा, मान लीजिए कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है किसी को आपको भेजना होगा, तो आप क्या करते हैं, आप मेल का सहारा लेते हैं। तो उसके लिए आप डीजी बॉक्स के मदद से भी उसको कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। उसके लिए इंस्टा शेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी भेजना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट वीडियोज आपको भेजना है वो अपलोड कर सकते हैं, जिसकी साइज 2 GB तक होनी चाहिए, 2 GB ज़्यादा नहीं है, जो कि 2 GB तक फ्री है। और जो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे तो उसके पास ये 45 डेज तक रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए किसी को फ़ोटो भेजना है तो ये फ़ोटो को यहाँ अपलोड करेंगे या ड्रैग करके ला कर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद जिसको भेजना है उसके ईमेल आईडी देंगे, अपनी ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, शेयर फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके मेल पे एक फाइल चले जाएगी, उस फाइल को वो 45 दिन तक एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड करके देख सकता है कभी भी। इस तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप इंडिविजुअल के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर इंटरप्राइजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें एक अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर साइनअप बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई कैटेगरी देगी जो कि फ्री भी है और कुछ चार्ज भी है, जैसे कि ये 30 रुपीज़ मंथली, अगर ईयरली चाहिए तो यहाँ पे आप कुछ ऑन ईयरली मंथली आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें एक फ्री का भी सुविधा दिया गया, अगर आप इंडिविजुअल है तो आप फ्री में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये दूसरे प्लान को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको मंथली और सालाना कुछ चार्ज देना पड़ जाएगा। तो चलिए ये मैं अभी फ्री वाला एक अकाउंट बनाऊंगा, जो देख सकते हैं जो जिसकी चार्ज बिल्कुल फ्री है। फ्री में ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डीजी स्पेस नेम यानी कि डीजी बॉक्स का एक यूजर नेम अपने मनपसंद सा रखेंगे, जो भी रखना चाहें आप नेम देंगे। उसके बाद कैरियर डीजी स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रेट ये अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ अपना फुल नेम, ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, अपना फुल एड्रेस देंगे, उसके बाद GST नंबर को खाली छोड़ेंगे, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना, यहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो किस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी, कंट्री, स्टेट, एरिया, पिन कोड देना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करना होगा, कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपकी मोबाइल पर OTP भेज दिया जाता है, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसका फिर से जो जानकारी आपने फिलअप किया वो सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने हुए तो यहाँ कह रहा है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डीजी बॉक्स, ठीक है हमारा ये ज्वाइनिंग हो चुका है, अब हम 20 GB तक किसी भी डाटा, फोटो, वीडियो को इसमें अपलोड करके कभी भी एक्सेस करके डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। चलिए लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना डीजी स्पेस नेम देंगे, ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। ये सारी डिटेल देने के बाद लॉगिन नो पे क्लिक करेंगे,
लॉगिन हो जाने के कुछ ही तरह का सेंटर पेज दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं फोटोज़ को, यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अदर जो भी फाइल है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, किसी भी प्रकार का फ़ोटो अपलोड करने के लिए पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे कुछ इसका सेंटर पेज आएगा, यहाँ पे अपलोड के प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, या एक फोल्डर बना के पिक्चर के अंदर एक फोल्डर आप एक फाइल बनाकर उस फोल्डर में आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम देंगे। फोल्डर का नाम देने के बाद फोल्डर किस कलर में रखना चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कैरियर पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं कि फोल्डर कैरियर सक्सेसफुली, हमारा फाइल एक फोल्डर जो है वो कैरियर सक्सेसफुली हो चुका है, जो कि देख सकते हैं। माई बॉक्स के अंदर पिक्चर में जाएंगे, उसके अंदर मुझे एक डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर मिलेगा। पिक्चर पर जाते हैं एक बार, पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में अपलोड करूँगा, इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे। उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट को हम यहाँ कंट्रोल के साथ या किसी अन्य तरीके से एक साथ एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का नाम देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को कभी डाउनलोड भी कर सकते हैं बाद में, उसके लिए यहाँ पे इसको टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं इस फाइल के अंदर हमारा एक डॉक्यूमेंट आ चुका है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आप जितने भी डॉक्यूमेंट रखना चाहें आप सेफ रख सकते हैं, कभी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने माई बॉक्स के अंदर एक पिक्चर फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर बनाया था, उसके बाद मैट्रिक करके मैंने एक फोल्डर बना के उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट रखा था। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आपको 20 GB फ्री मिलता है, कितने जीबी आपको यूज हुआ वो दिखने को मिलेगा, कितना बचा वो दिखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कितने फाइल अपलोड किए, कितने देखे, कितने डाउनलोड किए वो एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ साथ सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, प्लान को चेंज कर सकते हैं, फ्री को दूसरे प्लान में कन्वर्ट कर सकते, अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने डीजी बॉक्स के बारे में विस्तार से जाना होगा और पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।